खांसी, जुखाम, बुखार और हृदय रोग में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, पाचन क्रिया को भी सुधारता है एवं जो भी हमारे शारीरिक दर्द होते हैं उन सब में बहुत उपयोगी है, जो कि मार्केट के अंदर जाना जाता है, डाबर गिलोय रस या फिर डाबर गिलोय जूस के नाम से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये डाबर गिलोय जूस होता है ये बेसिकली बना किस चीज से है, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे काम करता है और साथ ही साथ में इसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम आज बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं डाबर गिलोय जूस की। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो बेसिकली गिलोय है, जिसे आप टिनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक इसका बायोलॉजिकल नेम है। ये बेसिकली 99.6 ग्राम इस जूस के अंदर, इस रस के अंदर होता है। ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक हर्बल है, इसकी एक बेल होती है जिससे ये बेसिकली बना हुआ होता है, जिसे हम गिलोय के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके अंदर एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही समझ गए हैं आप, इसके अंदर एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है जो कि हमारे बुखार को कम करता है, हमारे बुखार को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जो हमारे शरीर में शारीरिक दर्द होते हैं, वीकनेस, थकान हो जाती है, उसको भी काफी हद तक ये कम करता है। अब बात करेंगे कि इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। जो हमारे को एक जनरल आम बुखार हो जाता है, खांसी जुखाम हो जाता है, थकान हो जाती है, उसको दूर करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ओवरऑल जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की उसको सुधारता है, साथ ही साथ हमारी भूख को भी बढ़ाता है अगर हमें भूख ठीक से नहीं लगती है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स को ये मेंटेन करता है, हमारे को पाचन क्रिया को सुधारने में भी काफी मदद करेगा। अब बात आती है कि इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली 10 से 20 ml आपको 100 से 150 ml वाटर के अंदर, यानी कि आपको एक कप पानी लेना है जो कि 100 से 150 ml होना चाहिए, उसमें 10 से 20 ml आप इसे डालेंगे और दिन में दो बार लें या फिर जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है उसके अनुसार आप इसकी डोज रखें। अब बात करेंगे कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जब हम डाबर गिलोय जूस को इस्तेमाल करते हैं या डाबर गिलोय रस को। तो हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले लेबल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए और साथ ही साथ सूरज की रोशनी से, सनलाइट से बचाकर रखना चाहिए, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और जो इसकी रिकमेंडेड डोज होती है उससे ज्यादा हमें इसका ओवरडोज नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना डाबर गिलोय रस का कॉम्पोजिशन क्या होता है, काम कैसे करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी क्या बरतनी चाहिए। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।